हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जलों का। सुश्रुत सुश्रुत सूत्र स्थान के 13 चैप्टर से लिया है ये टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है जलों का कितने प्रकार का होता है, तो जलों का दो प्रकार का होता है। ऐसा आंसर नहीं लगाना, क्या लगाना है? जलों का 12 प्रकार का होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाएगा, जलोका के भेद कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं। दोनों ही कंडीशन में 12 लगाना, क्योंकि श्लोक में द्वादश आया हुआ है। श्लोक जब आप पढ़ेंगे तो द्वादश भेद करके आया हुआ है। ठीक है, दो प्रकार कौन कौन से नहीं लगाना है, सविष और निर्विष नहीं लगाना। ठीक है, अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। द्वादश क्या है, उसके भेद या प्रकार है। फिर उन द्वादश को दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, 6 होती है सविष और 6 होती है निर्विष। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं डिटेल। सविष जलों का 6 प्रकार की कौन कौन सी होती है, कृष्णा, अलगर्दा, करबुरा, गोचंदना, सावंद्रिका और इंद्रायुधा। इसको हम एक कोड से याद करेंगे। ट्रिक है इसकी काक गोसाइन। जो ऊपर क्रम लिखा हुआ है ट्रिक में वही क्रम है। के से हो जाएगा कृष्णा, ए से अलगर्दा, के से करबुरा, गो से गोचंदना, सा से सामुद्रिका, ई से हो जाएगा इंद्रायुधा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं ना। कृष्णा, कृष्णा प्रथुसिरा अंजन चून वर्णा, इसको हम कोड से ही याद करेंगे। सारी जलों का है कोड से याद करेंगे। कृष्णा, कृष्ण भगवान कैसे कलर के थे, श्याम वर्ण के थे ना, तो अंजन कैसा होता है, ये भी तो काला होता है, श्याम या काला। श्याम को ही क्या बोलते हैं, काला बोलते हैं, तो हमने क्या याद कर लिया, काला अंजन या श्याम अंजन। कृष्ण भगवान कैसे थे, श्याम थे, श्याम को ही काला बोलते हैं, तो काला अंजन। ठीक है, प्रथुसिरा, सिर कैसा होता है, बड़ा होता है, तो कृष्ण भगवान क्या है, देवताओं में बड़े हैं ना, तो क्या हो जाएगा, कृष्णा प्रथु मतलब क्या है, बड़ा। ठीक है, बड़ा या गुल। ठीक है, तो कृष्ण भगवान कैसे हैं, बड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलगर्दा, रोमशा महापार्श्वा कृष्ण मुखी। अलगर्दा को थोड़ा सा हम एक ट्रिक से रिलेट करेंगे ना, कृष्ण मुखी। अब देखिए, अब जब भी फांसी होती ना, जब किसी को फांसी की सजा हो जाती है तो उसको फांसी दी जाती है, तो कैसे फांसी देते हैं उसको, उसका मुंह कैसा कर देते हैं, पूरा काला कर देते हैं। क्यों हमने ऐसे रिलेट किया, अलगर्दा मतलब उसकी गर्दन अलग करनी है। अब जब गर्दन अलग करते हैं, मतलब जब कोर्ट में सजा हो जाती है उसको फांसी की, तो फांसी देते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी गर्दन अलग करने के लिए पूरा मुंह कैसा कर देते हैं, काला कर देते हैं, एक काला कलर का कपड़ा पहना देते हैं, तो कृष्ण मुखी। ठीक है, महापार्श्वा कौन देता है ये फांसी, उसके पास में जो बैठा रहता है वही तो फांसी की सजा देता है, तो पार्श्व में बैठा रहता है, वो कैसा इंसान होता है, महान होता है, तभी तो वो उसको फांसी दे पा रहा है। ठीक है, तो महापार्श्वा पार्श्व में बैठा है फांसी देने के लिए, कैसे देते हैं फांसी, काला मुंह करके ना, काला कपड़ा पहना के गर्दन को अलग कर दिया। पूरा कोड क्या बन गया हमारा, काला मुख करके पार्श्व में जो बैठा रहता है वो गर्दन को अलग कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है करबुरा, बर्मी मत के समान छिन्न उन्नत उक्षी। ठीक है, तो मछली को हम क्या करते हैं, उसका पेट काट कर उसको पका देते हैं। बर्मी मत्स, मछली का पेट को छिन्न भिन्न कर, पेट क्या है, कुक्षी, मछली की कुक्षी को छिन्न भिन्न कर हम क्या कर देते हैं, मछली के साथ बुरा कर देते हैं, उसको पका देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोचंदना, यहाँ पे गाय है, यहाँ पे क्या है, बैल है, बस इतना ही रिलेट करना है, गाय को बैल से रिलेट करना है। सूक्ष्म मुख निचला भाग बैल के अंडकोश के समान दो भागों में व्यक्त होता है। बैल वाला ज्यादा पूछा जाता है, सूक्ष्म मुख नहीं पूछा जाता इतना। नेक्स्ट आता है सामुद्रिका, ईशत शीत पीतिका विचित्र पुष्पाकृति, इतना बस याद रखना। समुद्र में क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है, तो पानी के कारण ही क्या होते, बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो विचित्र पुष्पाकृति, तरह तरह के फूल खिलते हैं, कहां पे, समुद्र के नीचे। ठीक है, इंद्रायुधा,
इंद्रायुध और नाम भी वही है, लक्षण भी वही मिल रहा है, इंद्रधनुष की तरह चित्र विचित्र रेखाओं से युक्त होता है। नेक्स्ट आती है निर्विष जलोका। अभी हमने सविष पढ़ा था, ये निर्विष है। अगर आपको एक की ट्रिक याद है काक दुसाई, तो दूसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन ये बनता है निम्न में से कौन सी सविष जलोका है या निम्न में से कौन सी निर्विष जलोका है। एक याद है, दूसरा अपने आप को समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके ट्रिक और देख लेते हैं। देखिए दो लाला वाले हैं, लास्ट वाली देखेंगे, लाला वाले हैं दो, काका वाले हैं, ये वाले काका वाले, लाला काका और क्या है पुंडरीक मुखी ना, पुंडरीक से पुंडरीक हो जाएगा, मुखी से क्या हो जाएगा शंख मुखी, है ना। लाला काका और पुंडरीक मुखी, ऐसे करके याद कर लेना है। आगे आते हैं कपिला, है ना, कपिल देव एक क्रिकेटर था बहुत पहले, ठीक है। तो मनहा शिला रंजिता, सभी क्रिकेटर का मन कैसा होता है, क्या होता है शिला के समान कठोर होता है ना। कपिला, कपिला से क्या याद करेंगे हम, कपिल देव याद करेंगे। क्रिकेटर, सारे क्रिकेटर का मन कैसा होता है, शिला के समान कठोर होता है। अगर वो हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे करके याद करेंगे। स्निग्ध मुद्ग वर्णा, और उनको खाने के लिए क्या दिया जाता है, मूंग की दाल दी जाती है ना, मुद्ग वर्णा याद रखना। नेक्स्ट आता है पिंगला, किंचित रक्त गोल शरीर वाली, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शीघ्र चलने वाली कौन सी है, पिंगला। अब आपने नाड़ी पढ़ी होगी, इड़ा पिंगला पढ़ी होगी ना, तो पिंगला क्या है, एक प्रकार की नाड़ी है। नाड़ी कैसी चलती है, शीघ्र चलती है, बहुत तेज तेज चलती है, तो शीघ्र चलने वाली कौन सी हो जाएगी, पिंगला। क्योंकि शंखमुखी में आने वाला है शीघ्र पायनी, शीघ्र पीने वाली कौन सी है, शीघ्र चलने वाली कौन सी है, तो हमने पिंगला नाड़ी से याद कर लिया। नाड़ी कैसी होती है, ज्यादा तेज चलती है। शंखमुखी क्या हो जाएगा, शीघ्र पीती है ना, पीने वाली, जल्दी जल्दी खून को पीती है। तो नामी क्या है, मुख है, तो अपने मुख से जल्दी जल्दी खून को पीती है। और दीर्घ तीक्ष्ण मुखी, अब देखिए इतनी ज्यादा तीक्ष्ण होती है कि वो यकृत को भी भेद देती है, प्रिक है, इतनी ज्यादा तीक्ष्ण होती है कि वो यकृत को क्या कर देती है, भेद देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पुंडरीक, पुंडरीक मुखी, नाम लिख लेना ना, पुंडरीक मुखी, मुद्ग वर्णा पुंडरीक तुल्य वक्तरा, नाम में क्या है पुंडरीक मुखी। दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वाण कैसा है, मुख कैसा है, आपको कैसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या दे दिए जाते हैं, मुद्ग के समान मुख है, पुंडरीक के समान क्या हो जाएगा वर्ण, ऐसा नहीं है, क्या है पुंडरीक के समान वक्त्र है, मुंग के समान क्या है वर्ण है, ठीक है। कैसे याद करेंगे हम, नाम में क्या है पुंडरीक मुखी, मतलब मुख कैसा होना चाहिए, पुंडरीक के समान, तो वर्ण अपने आप याद हो जाएगा, मुंग के समान है। अब दो जगह आ गया, मुद्ग वर्णा यहाँ पे भी है, मुद्ग वर्णा यहाँ पे भी है। कपिला का कपिल देव से याद कर लिया था, और एक अकेला आपको याद रखना पड़ेगा, मुद्ग वर्णा कहाँ पे है, पुंडरीक मुखी में। नेक्स्ट आता है सावरिका, पद्म पत्र वर्णा, इसने कहा 18 अंगुल की होती, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, सावरिका कितने अंगुल की लंबी होती है, 18 अंगुल लंबी होती है। किस में यूज किया जाता है, पशुओं से दूषित रक्त को निकालने के लिए यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सावरिका। इसके पहले हमने सविष पढ़ा था, काक गुसाई, सा से सामुद्रिका था, यहाँ पे सा से सावरिका है, ये याद रखना, क्योंकि वो गोसाई की जो सा ट्रिक है ना वो हमें कंफ्यूज कर देती है। तो कैसे याद करेंगे, सा से सामुद्रिका सविष है, क्यों, समुद्र में क्या नाग रहते हैं, ठीक है, कैसा होता है, विषैला पानी होता है, तो सामुद्रिका विषैली है, सावरिका कैसी है, निर्विष है, जो कहाँ यूज करते हैं, पशुओं के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पद्म पत्र वर्णा, पुंडरीक का नहीं है, पुंडरीक कमल का पर्याय है, पद्मी कमल का पर्याय, लेकिन इसका ये नहीं है, इसका है ये सावरिका का है, ठीक है। मूषिका, मूषिका के समान होगा अनिष्ट गंधा, तो मूषक जब भी चूहा मरता है उसकी गंध बहुत ज्यादा अनिष्ट होती है, बहुत ज्यादा खराब होती है, तो अनिष्ट गंधा कौन सी हो जाएगी, मूषिका। हमारा चलोका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है,
इसके बाद है ना जलोका के संदर्भ में एक और टॉपिक रहेगा आपका, चिपकाने के लिए क्या यूज करते हैं, निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, भमन के लिए कौन सा द्रव यूज करते हैं, ये सारा हम इसके अगले क्लास में पढ़ेंगे।